फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नीचे का ब्लड प्रेशर है, और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस कौन से ब्लड प्रेशर से ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, किसके लिए हमें ज़्यादा फोकस या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ज़्यादातर स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो हार्ट का फेलियर हो, किडनी का फेलियर हो, ब्रेन का फेलियर हो, वो ज़्यादातर सिस्टोलिक यानी ऊपर के ब्लड प्रेशर से ज़्यादा कोरिलेटेड रहते हैं, और उसे ज़्यादा अग्रेसिवली कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। पर इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इग्नोर कर दें, क्योंकि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी कुछ पेशेंट्स में रहता है। हालांकि इसका चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहता है कंपैरेटिवली आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर खाली ऊपर हो जाए, नीचे का नॉर्मल रहे, ये मिलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी का ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसके हिसाब से ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डायस्टोलिक। हालांकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।